तो फ्रेंड्स ये हैं देख सकते हो तनिक्स भाई हमारे, जिनका ये आईफोन है, वो आज राइड करने वाले हैं R15। अरे हमारी साइडों में R15 कहाँ तो चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। तो फ्रेंड्स देख सकते हो अभी हम रास्ते में हैं, ये तनिक्स के भाई राइड कर रहे हैं गाड़ी, और मतलब काफ़ी प्यारी लोकेशन है यार, मज़ा आएगा। थोड़ा पीछे पे शूट करते तो और अच्छा लगता, बट थोड़ा लेट हो गया, यू नो चश्मा निकाल लेते गाइस, बैग में था चश्मा नहीं पहना था। तो अभी हम रास्ते में देख सकते हो, बाकी लोकेशन अभी दिखाते रहेंगे आगे की। तो गाइस देख सकते हो कितनी प्यारी लोकेशन है, और यहाँ देखो वाओ, अरे प्यारी लोकेशन है गाइस। हम पहुंच गए हैं जसपाल राणा शूटिंग रेंज, देख सकते हो यही है वो जगह जिसे हम ढूंढ रहे थे मैप में। पार करते हैं अपनी शैडो को और चलते हैं फिर आगे को। तो फ्रेंड्स तनिष्क भाई गए अभी अंदर बात करने के लिए, देख सकते हो, और यह है शूटिंग रेंज एरिया अंदर का। तो गाइस देख सकते हो ये शूट कर रहे हैं, आगे निशाना लगा रहे अपना वो सामने। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये अंदर का सीन है कुछ ऐसा, निशाना लगा रहे हैं भैया अपने पड़े वाले, और कुछ अंदर से ऐसा है। अभी भीड़ तो कम है, बट आज कोई कंपटीशन नहीं है इसलिए भीड़ नहीं है, बट कल है कंपटीशन, कल होगी भीड़। देखो निशान है भैया का, इनके तीन गोले में लगे हैं, ये देखो ब्लैक वाले गोले पे तीन निशान, तगड़ा यार, खतरनाक गाइस। और वो सामने निशाना लगाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये राइफल 10 मीटर वाली, खतरनाक, और शूट करने का ये देखो आगे पूरा, वो सारी गोलियां पड़ी है ना आगे गाइस, यहाँ पे गोलियां पड़ी हैं सारी, नीचे पे देख सकते हो छोटे छोटे दाने ना, सारी गोलियां हैं। और ये देखो, और ये चलाता है ये, क्योंकि हमारी बस की तो नहीं है तो चलते हैं अभी और जगह देखते हैं, अभी प्यारी लोकेशन है। और वो सामने भैया 10 मीटर का चला रहे हैं, देख सकते हो। चलो भी चलते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कितना प्यारा, अच्छा भाग रहे भयंकर, और यहाँ पे मुर्गे भी हैं, काटे ना बस, डर लगता है इनसे, वही चुटकू चुटकू नहीं है तो बड़ा है। चलो फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे 25 अंदर को रेंज वाला सूट देखते हैं अंदर। तो गाइस ये है अंदर, आ गए हम, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी हम आए थे शूटिंग रेंज, जैसे कि पता ही आगे को दिखाया सब कुछ, तो अभी ये 10 मीटर शूटिंग रेंज है देख सकते हो, और अभी यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है इसलिए यहाँ पे अभी कोई नहीं है, बट यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आते रहते हैं, और अभी कोई नहीं, अभी खाली था। और देख सकते हो यहाँ पे ये गाइस, ये एक टारगेट स्टैंड है, और ये टारगेट स्टैंड। तो अभी इसको ऑन करके ऑफ करके दिखाते हैं कैसे होता है काम, कैसे काम करता है। तो ये ऑन कर देंगे ऐसे, फिर उसके बाद ग्रीन वाले से आगे जाएगा। अच्छा ये देखो, और रेड वाले से बैक आएगा रेड दबाते ही। तो ये कुछ ऐसा काम करता है, बाकी ये तनिष्क भाई कल ऐसे अपना शूट करेंगे अभी बाकी ऐसा है कुछ यहाँ का सीन। और पहले वाला था वो सही था, वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे थे, बट यहाँ पे अभी थोड़ा काम वाम चल रहा है उसके उससे नहीं है। चलते हैं और देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है सब चीज़ें, बट अच्छी प्लेस है यार, मज़ा आ गया मतलब देख के, फर्स्ट टाइम आ रखा हूँ मैं इधर, थोड़ा अच्छा लग रहा है, और मैंने इससे पहले कभी देखा भी नहीं था यार कुछ ऐसा।
तो ये मेरे लिए नया भी है, अभी कुछ पता भी नहीं है इसके बारे में तो इसलिए ज़्यादा बता भी नहीं पाऊँगा। बाकी तनिष्क भाई हैं, थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। बाकी लोकेशन तो प्यारी है यार, बहुत प्यारी जगह है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ रखे हैं जसपाल राणा सर के हाउस के आगे पे, वहाँ पे शूट कर रहे थे वीडियो और वहाँ का शूट रेंज भी दिखाता हूँ आपको। तो यह है शूट रेंज, यह है 10 मीटर शूटिंग रेंज, यहाँ पे को सेकंड फ्लोर में रेंज है और ये रेंज पड़ी थी उनकी डॉटर के नाम पे। उनकी जो डॉटर है वो भी एक बहुत बड़ी शूटर है, उनने भी इंटरनेशनल खेल रखा है। और फिर यहाँ पे को जसपाल सर का घर है, ये जसपाल सर ने अपना घर बहुत ही प्यारा बना रखा है, अगर इसको अंदर से भी देखेंगे तो बहुत अच्छा है और मॉडर्न डिज़ाइन भी है बाहर का, एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई फार्म हाउस है। और जस्ट इसी के पास यहाँ पे कोई एक रेंज है जिसे हम ट्रैप के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं दो नाली। गाइस ये हम आए थे अभी ट्रैप वाली लोकेशन में, यहाँ पे को ट्रैप शूटिंग होती है, ट्रैप शूटिंग इन द सेंस जैसे यहाँ से दो नाली का स्टार्ट हुआ, यहाँ पे को कोई बंदा खड़े रहेगा, जो ये वाइट लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़े रहेगा, शूटर कहते हैं उसे, यहाँ पे को खड़े रहेगा, वो अपनी फायर यहाँ से स्टार्ट करेगा, जहाँ पे को वो कट्टे रख रखे हैं, यहाँ से एक बॉल निकलती है, ये बॉल ऐसी होती है, इसको यहाँ से वो फायर करती है ऊपर को, यहाँ से जो शूटर होता है वो अपना उस पर शूट करता है, उसका शूट इन बहुत दूर जाता है और जो इसकी साउंड आती है वो बहुत प्यारी होती है, अप्रॉक्स आपको 3-4-5 किलोमीटर के रेंज में सुनाई देगी। तो गाइस हम अपना ब्लॉग शूट कर चुके हैं अब, और अभी हम आए तनिष्क भाई के रूम पे पहुंच गए हैं। और ये रहा तनिष्क भाई अपना, ये देखो कैसे पड़ा, और इसका रूम देखना जरा एक बार, ये होटल में रुका है और देखना कैसा बनाया इसने, कहीं केले पड़े हैं, कहीं जूते कभी कहीं कुछ, और ये इसके रूम की हालत। तो इसके रूम की गंदगी के साथ मिलते हैं अच्छे वाले, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे वातावरण के साथ, शुद्ध वातावरण के साथ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय 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 गाइस।